Hi guys, welcome back to Mehar classes. How are you all? I'm fine. Hope आप सब भी बहुत अच्छे होंगे. मैंने last कुछ दिनों में आपको बहुत miss किया because हम मिल नहीं पाए and मैंने आप लोगों को इतना ढेर सारा miss किया. Hope आपने भी मुझे बहुत miss किया होगा. Last कुछ दिनों में हमने videos जो डाली थी बच्चों की new जो भी movie आ रही है उस पे भी डाली है और शहीदी दिवस था तो उस पे भी डाली है. तो thank you आपने उसके लिए भी इतना प्यार show किया. आपने इतने सारे कमेंट्स किए, इसको लाइक किया, सब्सक्राइबर्स भी हमारे बढ़े, तो थैंक यू ऑल ऑफ यू. आपने इतना ढेर सारा सपोर्ट दिया इस चैनल को एंड रियली प्रिविलेज्ड एंड ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू. आज का वीडियो भी एक रिक्वेस्टेड वीडियो ही है. हमें एक रिक्वेस्ट आई थी कि हमें जो वर्ड्स मिसयूज हो रहे हैं उस पर एक नेक्स्ट और वीडियो चाहिए, पार्ट टू चाहिए उसी का, मोर वर्ड्स पे. तो लेट्स आज उसी का वीडियो है. लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो. आइए. हाँ जी, फर्स्ट वर्ड हमारे पास है कॉन्फिडेंट. CONFIDENT, confident. ये DA से है. One who is trusted. एक ऐसा इंसान जिस पे आप भरोसा कर सकते हैं उस इंसान को हम confident, DA वाला लगाते हैं. Next हमारे पास है CONFIDENT, confident. इसका मतलब होता है श्योर, पक्का. जब आप किसी चीज किसी बात के लिए श्योर होते हैं, पक्का होते हैं, तभी आप कॉन्फिडेंट कहते हैं. आई एम कॉन्फिडेंट फॉर दिस. नेक्स्ट हमारे पास है ड्यूअल. ये आजकल बहुत कॉमन वर्ड है. हम जब भी कोई मोबाइल खरीदने जाते हैं या कोई चीज खरीदने जाते हैं तो कहते हैं ड्यूअल कैमरा है इसमें. तो ड्यूअल का मतलब होता है डबल, जो डबल चीज होती है. नेक्स्ट हमारे पास है ड्यूअल ई से. ये ए से है, ये ई से है. अ कॉम्बैट बिटवीन टू मैन. कॉम्बैट का मतलब क्या होता है? लड़ाई की जड़ या वजह. तो उसको हम कॉम्बैट कहते हैं. अ कॉम्बैट बिटवीन टू पर्सन, दो बंदों में लड़ाई की वजह. नेक्स्ट हमारे पास है इमिग्रेंट. ये हमारा हाईलाइटेड वर्ड है इसमें, अगेन इस वीडियो में हमारे लिए, क्योंकि इमिग्रेंट और इमिग्रेंट का फर्क जो है, ऑफनली बच्चे भी मिस्टेक कर जाते हैं और समझने भी बच्चों को दिक्कत आती है. कभी कभार बड़े भी मिसयूज कर जाते हैं बोलने के टाइम में. जो इंग्लिश न्यू सीखते हैं स्पीकिंग के लिए, उनके लिए तो ये बहुत जरूरी है जानना. इमिग्रेंट जो ई से है उसका मतलब पर्सन हु लीव्स वन कंट्री टू टेक रेजिडेंस ऑफ अनदर. ऐसा इंसान जो अपना देश छोड़ के दूसरे देश में रेजिडेंस, मतलब उसकी उस जगह के लिए रहने वाला, उस जगह को रहने जाता है और उस देश में पक्का होने जा रहा है और रहना चाहता भी है, तो उसको हम बोलते हैं इमिग्रेंट, ई वाला. नेक्स्ट हमारे पास है इमिग्रेंट आई से. ये आई से है. पर्सन हु कम्स टू वंस कंट्री फ्रॉम अनदर टू लिव परमानेंट. जब कोई हमारे देश में या अलग देश में आता है, वो जाता है, ये आता है और वहां पे परमानेंटली वैसे ही रहने के लिए, पक्का रहने के लिए आ जाता है. तो उसे इमिग्रेंट, आने वाले को इमिग्रेंट, जाने वाले को ई वाला इमिग्रेंट. नेक्स्ट हमारे पास है लूज, एल डबल ओ. ये डबल ओ वाला है. टू अनफास्टन, किसी चीज को अनरैप करना, खोल देना, उसको लूज कहते हैं. एल ओ, ये सिंगल ओ वाला है. टू पार्ट विथ समथिंग, किसी चीज से अलग हो जाना, उसको हम एल ओ से कहते हैं. नेक्स्ट हमारे पास है लेजिबल, एल ई वाला. लेजिबल, कैपेबल ऑफ बींग रेड. जब आप लिखने पढ़ने के लिए एलिजिबल होते हैं तब आपको एल वाला यूज करते हैं. नेक्स्ट हमारे पास है ई से. जो वर्ड पहले ई लगता है उसके लिए एलिजिबल होता है. तो उसके लिए जो है फिट टू बी चूजन. फिट टू बी चूजन, जब आप किसी पोस्ट के लिए आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो कंप्लीट होती है, उसको एलिजिबल कहते हैं. नेक्स्ट हमारे पास है नॉटी, एन ए से. ये एन से स्टार्ट हो रहा है, एन ए, नॉटी. विट, इसको विट भी कहते हैं. मतलब जैसे बच्चे शरारती हैं तो वो पॉजिटिव वे में भी आता है और नेगेटिव वे में विक्ट लेते हैं इसको, बुरा, नॉटी. नेक्स्ट हमारे पास है के वाला, नॉटी. इसको भी नॉटी ही बोलते हैं पर ये के से स्पेल आउट होता है. अगर लिखने पे आते हैं तो के से लिखते हैं. डिफिकल्ट टू सॉल्व, जब हमारे पास कोई प्रॉब्लम या कोई सम या कुछ ऐसी चीज होती है जो हमसे सॉल्व नहीं हो पाती तो हम उसे नॉटी कहते हैं. इट इज नॉटी फॉर मी, ये मेरे से सॉल्व नहीं हो रहा. नेक्स्ट मोर इम्पोर्टेंट, अगेन वन ऑफ द बेस्ट, फार्दर एंड फर्दर. ये काफी बच्चों में भी बहुत प्रॉब्लम करता है, खास करके ग्रामेटिक्स में इनकी यूजेस बहुत ज्यादा होती है और बच्चों को भी बड़ी प्रॉब्लम आती है इसको यूज करने में. फार्दर होता है एक्चुअल डिस्टेंस. दो चीजों में एक्चुअल डिस्टेंस क्या है, जैसे कि दिल्ली और लुधियाने में एक्चुअल डिस्टेंस क्या है, तो बहुत दूर है, वो होता है फार्दर. दिल्ली लुधियाने से बहुत दूर है, इट इज फार्दर. नेक्स्ट हमारे पास है फर्दर, समथिंग एडिशन इन थॉट एंड टॉक. जब आप कोई बात करते करते उसी चीज पे और बहस या बात करनी शुरू कर देते हैं तो उससे होता है फर्दर. दे टॉक फर्दर ऑन दिस मैटर, दे व्यूड फर्दर ऑन दिस मैटर. उन्होंने इस विषय पे और बात की और बहस की और कुछ भी किया तो उसको हम फर्दर कहते हैं.
नेक्स्ट हमारे पास है स्ट्रेट, stright वाला स्ट्रेट, इसका मतलब आपको सबको पता है डायरेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास है strait स्ट्रेट, इसका मतलब है नैरो। नैरो का मतलब यहाँ पे माइंडेड भी है और जगह से भी है, नैरो को किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है सोल, SOLE सोल, ओनली अकेला, जैसे आई एम अ सोल पर्सन लिविंग हियर, मैं अकेली हूँ जो यहाँ रहती हूँ। नेक्स्ट हमारे पास है SOUL सोल, उसका मतलब होता है आत्मा जो हम सब के अंदर होती है, तो उसको SOUL से कहते हैं, ये SOLE से है, तो इनमें भी एक वर्ड मतलब स्पेलिंग डिफरेंस ही है, बस प्रोनंसिएशन सेम है। सो आई होप मैंने आज भी ये वीडियो आपके लिए यूजफुल ही बनाया होगा और आपको मेरा वीडियो पसंद आए, मेरे एफर्ट्स पसंद आए। अगर आए हो तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब इट एंड लव यू ऑल, बाय।